हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक चेहरा। चेहरा, लेखक शशि भूषण शलभ, संपादन मनीष चंद्र गुप्त, चित्रांकन संजय अष्टपुत्रे। ग्लोब सर्कस देखने वाले सहस्त्रों दर्शकों की निगाहें ऊंचे टावर पर खड़े विक्की पर जमी थी। सांस रोके दर्शक देख रहे थे कि तभी विक्की ने अपने कपड़ों पर तेल छिड़ककर आग लगाई और छपाक, पानी में गिरते ही आग बुझ गई और पूरा पंडाल दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विक्की फिल्मों के लिए भी स्टंटमैन का काम करता था। स्टार्ट विक्की, फट 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 फट, और अगले ही पल वह आग के ऊपर से निकल गया। उस दिन विक्की एक फिल्म के लिए स्टंट शॉट दे रहा था। कट शॉट, ओके। विक्की ने मोटरसाइकिल अपने निर्देशक के पास रोकी, लेकिन सर शॉट कैसा रहा? बहुत अच्छा। अरे अरे अरे, निर्देशक हीरा का दोस्त अरुण शौरी कपड़ों पर कीचड़ पड़ने से आग बबूला उठा और बदतमीज, दिखाई नहीं देता, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अरे अरुण, ये तुमने क्या किया? ठीक किया, ये कीड़े साले ऐसे ही सुधरते हैं। अरुण के इस जवाब से विक्की आपे से बाहर हो गया। एक तो थप्पड़ मारा, ऊपर से गाली देता है, मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किंतु निर्देशक हीरा भाई और यूनिट के बाकी लोग बीच में आ गए। जाने दो विक्की, जाने दो यार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे मार दूंगा जान से। और अरुण शौरी फिर वहां नहीं रुका। मार दूंगा मैं, मार दूंगा तुझे। उसी रात अरुण शौरी की कार जब उसके बंगले के बाहर निकली तो विक्की ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। अरुण शौरी, तू आज नहीं बचेगा। विक्की ने तेजी से दौड़ती कार को जल्दी से अरुण शौरी की कार की दिशा में मोड़ा। मैं आज तुझे तेरी बदतमीजी का मजा चखा कर ही रहूंगा। उधर कार में अरुण अपनी मंगेतर के साथ बैठा था। तुम मेरे साथ होती हो किमी तो मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ। मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है डियर। मेरा दिल करता है कि हर वक्त तुम्हारे गले में बाहें डाले। ओ अरुण, आ थाक। विक्की की कार की टक्कर से अरुण शौरी की कार उड़ती उलटती चली गई। अरुण आई, कार का दरवाजा खुला और अरुण बाहर निकला, और तभी विक्की की कार तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ी। विक्की ने टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। धाक! अरुण अभी सड़क से उठ पाता कि तभी विक्की की कार फिर उसकी ओर बढ़ी। बचाओ, नहीं अरुण, नहीं। पलक झपकते विक्की की कार उसे कुचलते हुए निकल गई। वातावरण में दो चीखें गूंज उठी। कुछ ही देर में पुलिस की वैन वहां पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर, एक कार वाले ने अरुण की हत्या कर दी। हम लोग उस हत्यारे को जल्दी ही पकड़ लेंगे, आप उस हत्यारे का हुलिया बता दें। उधर विक्की जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। उसने अपने आप को कटे हुए वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिरा दिया। अभी बिस्तर पड़े हुए से कुछ ही देर हुई थी कि यह बल्ब अपने आप कैसे जल बुझ रहा है। बिस्तर से उठकर उसने दीवार के साथ लगे उस बल्ब के स्विच को दबाया, लेकिन बल्ब पहले की तरह जलता बुझता रहा। टिक। और तभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में कुछ देखते ही वह चौंक पड़ा। ओह विक्की, एक जरा सी बात के पीछे तुमने मेरी जान ले ली। तुम मुझे मारकर बच नहीं सकते। हा 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 हा, हा। नहीं नहीं, चीख और चीख हत्यारे, 24 घंटे में मैं तुझे मार डालूंगा, कल रात 9 बजे तक, और जी ले। हा 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 हा, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकता। पीछे हटते हुए विक्की ने मेज से एक बोतल उठा के बहुत फुर्ती से उस चेहरे पर दे मारी। खराक, चेहरा वहां से गायब हो चुका था। ओह चला गया, अब कभी नहीं आएगा, गला सूख रहा है, फ्रिज से लेकर थोड़ा पानी पी लूं। फ्रिज खोलकर उसने एक बोतल उठाई और पानी पीने लगा। अचानक फ्रिज में रखा कद्दू अरुण शौरी के कुचले हुए सिर में बदल गया। तभी प्लेट में रखी उस कुचली खोपड़ी से खून का फब्बारा छूटा। ओ नहीं, झटके से उसने फ्रिज बंद कर दिया। ओह सारे कपड़े खराब हो गए, अभी बाथरूम में जाकर धो लेता हूँ। बाथरूम में जाकर वह अपना मुंह वॉश बेसिन पर धोने लगा, और जब मुंह धोकर उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गई। नहीं, बुरी तरह चीखता हुआ कमरे की ओर दौड़ा। नहीं, लेकिन कमरे में एक नए आश्चर्य ने उसे बुरी तरह कपा कर रख दिया। ये चादर क्यों उछल रहा है? कहीं इसमें अरुण शौरी की आत्मा तो नहीं आ गई है? साहस करके वह आगे बढ़ा। कौन है, कौन है? और उसने एक झटके से चादर को खींचकर फेंकना चाहा तो आई, तभी अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि पर अरुण शौरी का चेहरा हवा में तैर रहा था। हा, 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 हा। मैं तुम्हें मार डालूंगा,
अब तुम्हारी जिंदगी के 23 घंटे शेष रह गए हैं। ना, नहीं। तभी चेहरे में विस्फोट हुआ। विस्फोट से छत की कुछ ईटें टूट कर नीचे गिरी। तभी एक ईट उसके सिर पर गिरी और वह नीचे गिरकर बेहोश होता चला गया। उसकी बेहोशी फिर अगले दिन ही टूटी। ओह, दिन निकल आया, इसका मतलब मैं सारी रात बेहोश पड़ा रहा। मुझे कल रात की सारी बातें अपने दोस्त सनी को बता देनी चाहिए। वह पुलिस इंस्पेक्टर है, मेरी अवश्य सहायता करेगा। उसको फोन करके बुलाता हूँ। वह उठकर खड़ा हुआ और फोन करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया। हा हा हा, अब तुम्हारी जिंदगी के 14 घंटे बाकी रह गए हैं। हा हा हा, नहीं, खटा। कुछ देर बाद उसने हिम्मत बटोरकर सनी को फोन किया। हेलो, मैं सनी बोल रहा हूँ। सनी, मैं विक्की बोल रहा हूँ। बोलो, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? नीता के क्या हाल है? उससे शादी कब कर रहे हो? अरे शादी वादी की बात छोड़ो, मेरी बात सुनो सनी। सनी, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम जल्दी से मेरे फ्लैट पर आ जाओ। अभी तो नहीं आ सकता, किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ दोस्त। सनी, तुम्हारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, बस तू जल्दी से यहाँ आ जा। आता हूँ यार, अभी आता हूँ। फिर जब तक वह नहीं आता, मैं टीवी पर प्रोग्राम देख लेता हूँ। उसने उठकर जल्दी से टेलीविज़न का बटन दबाया और फिर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। टेलीविज़न पर फुटबॉल मैच की रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही थी। ज़रूर ईस्ट बंगाल की टीम गोल कर देगी, लेकिन तभी खिलाड़ी के पांव की ठोकर से फुटबॉल उछली और तेजी से बढ़ती हुई टेलीविज़न की पूरी स्क्रीन पर छा गई। अरे, ये फुटबॉल तो लगता है टीवी स्क्रीन तोड़कर बाहर आ जाएगी। और सचमुच फुटबॉल टेलीविज़न स्क्रीन से बाहर आ गई। नहीं! देखते ही देखते फुटबॉल चेहरे में बदल गई। टीवी देखकर वक्त खराब कर रहे हो विक्की, जिंदगी के अब केवल 13 घंटे बाकी रह गए हैं। उसने आगे बढ़कर झटके से टेलीविज़न बंद कर दिया। कट! तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सनी आ गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सनी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यार, अब आ गया हूँ तो तेरी कहानी सुनूंगा ही। सनी, ये कहानी नहीं, सच्चाई है यार। मुझसे एक खून हो गया है और अब उसका भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे वाह, फिल्म के लिए क्या धांसू आइडिया विक्की, जल्दी से किसी प्रोड्यूसर को ये आइडिया सुना दे। ओ यार, तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता है? मैंने एक डायरेक्टर अरुण शौरी का खून कर दिया है, अब उसका भूत तुझे डरा रहा है। हाँ यार, बिल्कुल सच। तू फिर ऐसा कर, मुझे जल्दी ही कहीं जाना है, कमरे में ताला लगा और मेरे साथ बाहर चल, जीप में बैठकर तेरी कहानी सुनूंगा। विक्की ने सनी को सारी आपबीती सुना दी। उसके भूत ने मुझे 24 घंटे का समय दिया है, फिर वह मुझे मार डालेगा, यानी रात के 9 बजे। देखो दोस्त, यह तुम्हारी एक और गप है और मैं हमेशा की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। वह एक रेस्तरा के समीप पहुंचे। अच्छा विक्की, अभी तो मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, तू चाय नाश्ता कर, मैं फिर मिलूंगा तुझसे। सुनो दोस्त, सच कह रहा हूँ। किंतु सनी ने उसकी एक ना सुनी। सनी चला गया तो विक्की रेस्तरा में जा बैठा। थोड़ी देर बाद बारमेड उसके पास आई। गुड मॉर्निंग सर, अभी एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। बारमेड को कोल्ड ड्रिंक लाने में देर ना लगी, लेकिन अभी उसने गिलास उठाई था कि ये क्या है? नहीं, हा हा हा, तुम्हारी जिंदगी के 10 घंटे शेष रह गए हैं। नहीं, पलक झपकते कोल्ड ड्रिंक खून में बदल गया। बारमेड, ये क्या है? खून, खून! और उसने गिलास का खून बारमेड पर फेंक दिया। लो, इस खून को तुम पी लो। आ, थाक! मवाली बारमेड पर रौब जमाता है। साले मोटे पहलवान, अपने बाप को मारता है। विक्की जोर से उछला और पहलवान की छाती में एक किक मारी। थाक! ओह, बरोबर ताकत वाला है, लेकिन फिर पहलवान ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। थाक, 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 थाक! विक्की अधिक मार नहीं सह सका और जमीन पर गिर पड़ा। साला, अब किसी छोकरी से बदतमीजी नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से उठकर वह रेस्तरां से बाहर निकला तो एक लड़की अंजू ने उसका रास्ता रोका। हाय विक्की, अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अंजू, मुझे नीता के पास पहुंचा दो। अंजू ने उसे नीता के घर पहुंचा दिया। अरे अंजू, क्या हुआ विक्की को? क्या पता, तुम्हारे मजनू को किसी ने पीटा है, इसी से पूछो क्या बात थी, मैं तो चली। अंजू के जाने के बाद बोलो विक्की, ये सब कैसे हुआ? बताता हूँ नीता, सब बताता हूँ। और विक्की ने नीता को अरुण शौरी के बारे में सब बता दिया। और अरुण की आत्मा ने मुझे 24 घंटे का समय दिया है। नहीं विक्की, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, हम अभी उसके पास चलेंगे, पर पहले तुम चाय पी लो। अच्छा नीता। नीता चाय बनाने के लिए रसोई घर में गई तो विक्की एक पत्रिका उठाकर उसके पृष्ठ पलटने लगा। तभी कुछ पृष्ठ उलटते ही तुम्हारी जिंदगी के 8 घंटे शेष रह गए हैं। नहीं, उसने जल्दी से पृष्ठ पलटा, लेकिन अगले पृष्ठ पर अरुण शौरी का चेहरा उभर आया। हा हा हा, 8 घंटे? नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काटूंगा, मार डालूंगा तुम्हें कुत्ते।
तभी नीता दौड़ती हुई वहां आई। विक्की विक्की क्या हुआ? अरुण शौरी का भूत मेरा पीछा कर रहा है, वो अभी इस पत्रिका में छुपा हुआ था। विक्की तुम बहुत परेशान हो गए हो, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद नीता उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। महाकाल बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। बैठ जाओ, क्यों आए हो यहाँ? बाबा एक चेहरा मेरा पीछा कर रहा है। क्यों भटक रहे हो? बाकी बचे टाइम में तो ऐश कर लो, जाओ ऐश करो। लेकिन बाबा वो चेहरा वो मुझे मार डालेगा। तभी तांत्रिक ने अपने बालों को अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा, वह चेहरा ऐसा तो नहीं है। ओह, तांत्रिक पर अरुण शौरी की आत्मा का कब्जा था। मैंने कहा था ना, तेरे पास 24 घंटे का समय है और अब केवल 7 घंटे बाकी रह गए हैं। भाग जा। नहीं, तुम यहां भी ना, ना, नहीं, भाग जा, यहां तुझे कोई नहीं बचा सकता। और फिर वह वहां नहीं रुका। नीता वह मुझे मार डालेगा, तुम जल्दी यहां से चलो। विक्की, नीता मुझे मड आइलैंड के गेट पर छोड़ देना। नीता ने मड आइलैंड के गेट पर कार रोकी। तुम चिंता मत करो विक्की, पास ही गांव में एक बहुत बड़े सन्यासी बाबा हैं, मैं उनसे तावीज लेकर आऊंगी। नीता वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम घबराओ नहीं विक्की, सब ठीक हो जाएगा, मैं 2-3 घंटे में उनसे तावीज ले आऊंगी। अब कुछ नहीं हो सकता नीता, मेरी मौत निश्चित लग रही है। मरने से पहले सर्कस का एक आखिरी शो करना चाहता हूँ। विक्की तुम चिंता ना करना। उसे छोड़कर नीता तेजी से वहां से चली गई। उधर थाने में इंस्पेक्टर सनी को जब अरुण शौरी की हत्या की खबर लगी, हाईवे पर ही अरुण की लाश बरामद हुई, जैसा विक्की ने बताया था, और निर्देशक हीराबाई की शूटिंग पर उसका झगड़ा भी हुआ था। अरुण की मंगेतर ने बताया कि हत्यारे ने दाढ़ी मूछे लगाई थी। तो क्या वाकई विक्की सच बोल रहा था? उसने पेन से विक्की के फोटो पर दाढ़ी मूछे बना दी। मुझे अरुण की मंगेतर किमी के पास जाकर इस फोटो की शिनाख्त करा लेनी चाहिए। कुछ देर बाद मैं इंस्पेक्टर सनी की जीप किमी के घर के आगे रुक गई। आइए इंस्पेक्टर, अपराधी का कुछ पता चला? जल्दी पता चल जाएगा, आपसे एक फोटो की शिनाख्त करानी है। सोफे पर बैठकर इंस्पेक्टर ने उसे विक्की की फोटो दिखाई। इस फोटो को ध्यान से देखिए मिस किमी। उसे देखते ही किमी चौंक पड़ी। बिल्कुल वही इंस्पेक्टर, यही है वह हत्यारा, मैंने इसे पहचान लिया है। आपको इसकी फोटो कहाँ से मिली? ठीक है मिस किमी, कुछ देर बाद यह हत्यारा पुलिस के हाथों में होगा। अच्छा, एक बार आपको शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। मैं ज़रूर आऊँगी, इस खूनी को फांसी की सजा दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर सनी जीप में जाकर बैठा तो तभी उसे याद आया, इसका मतलब विक्की के चेहरे वाली बात भी सच हो सकती है। अरे, विक्की को उस चेहरे ने 24 घंटे का समय दिया था और अब 9 बजने में 2 घंटे ही शेष रह गए। ओह, अगले ही क्षण उसने जीप तेजी से दौड़ा दी। उफ, मुझे अपने दोस्त विक्की को बचाना होगा, लेकिन इस समय पता नहीं वह कहाँ होगा। सनी ने जीप विक्की के फ्लैट के आगे रोकी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। अरे, यहां तो लॉक लगा है, शायद वह नीता के घर गया होगा। कुछ ही देर में वो नीता के घर पहुंचा। नीता है, जरा उसे बुलाना। नीता मैम साहब तो विक्की साहब के साथ कहीं गई हैं साहब। अच्छा ठीक है, नीता है तो उसे कहना कि मैं आया था, वह मुझे फ़ोन कर लेगी। जी साहब। बाहर आकर वह जीप में बैठा तभी उसकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी। ओह, 1 घंटा शेष रह गया, विक्की यहाँ भी नहीं मिला, अब उसे कहाँ तलाश करूँ? उसने जीप स्टार्ट की तभी बस अब एक ही जगह बची है, अवश्य वह मड आइलैंड में मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने में तो मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी जीप को तूफान बना देता हूँ। अगले ही पल उसने जीप को तूफान बना दिया। उधर नीता टैक्सी में सन्यासी से तावीज़ लेकर लौट रही थी। 1 घंटा बाकी रह गया है, पहले कार का एक्सीडेंट हो गया, फिर पहली टैक्सी रास्ते में ख़राब हो गई, दूसरी टैक्सी का पंचर और तीसरी टैक्सी का पेट्रोल लीक। ओह, आज ये सब क्या हो रहा है? टैक्सी तेज़ चलाओ, मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है। इससे तेज़ टैक्सी चलाई तो मेम साहब सीधे हम लोग ही पहुँचेंगे। उधर विक्की शरीर पर आग लगा कूदने की तैयार हो चुका था। ओके डिसूजा, मैं शो के लिए तैयार हूँ, बाय, बेस्ट ऑफ लक लिखी विक्की। अभी वह टावर के पास पहुंचा था कि सनी दौड़ता हुआ वहां आया। विक्की विक्की, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर अवश्य विश्वास करोगे। विक्की, मैं तुम्हें इस खूनी चेहरे से बचाना चाहता हूँ, तुम्हें हवालात में रखकर उस चेहरे से बचा लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इस शो के बाद, बस अभी 20 मिनट बाद। ओह विक्की, समय बहुत कम है, रुक जाओ। सनी, बस 1 शो की मोहलत दे दो, फिर तुम जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम तो जानते हो दोस्त, आग लगाकर ऊपर से कूदना बस यही तो मेरा एकमात्र शौक रहा है, आज आखिरी बार मुझे कूदने से मत रोको। ओह ठीक है, जल्दी शो पूरा करो। विक्की ने सनी से हाथ मिलाया और टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी विक्की विक्की रुको, मैं तावीज़ ले आई हूँ, तुम जल्दी से ये तावीज़ बांध लो। नीता, मैं शो करके अभी आता हूँ, नीचे आकर तावीज़ पहनूंगा। विक्की, पहले तावीज़ पहन लेते, ओ बस 5 मिनट शेष रह गए। विक्की ने टावर पर पहुंचकर अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़ककर उसने कपड़ों में आग लगाई और कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी हा 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 हा
अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। नहीं, विक्की के अलावा चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। विक्की जल्दी नीचे कूदो। ओ विक्की कूद जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कूदो विक्की जल्दी। अदृश्य शक्ति उसे रोके हुए थी। ओह मुझे कूदने दो, हट जाओ मेरे सामने से, मैं मर जाऊंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तू नहीं बचेगा। विक्की आग से बुरी तरह जलने लगा था। उसने चेहरे को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। हट जाओ मेरे आगे से, मुझे कूदने दो, हट जाओ। लेकिन चेहरा उसके हाथ की उंगलियां चबा गया। आई, नीचे दर्शक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नीचे कूदो 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 जल्दी करो। ये कूद क्यों नहीं रहा, विक्की कूदो कूदो। सनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। विक्की कूदो जल्दी से, और विक्की कूद ही पड़ा। लेकिन नीचे पानी में डूबकर जब वह ऊपर आया तो वह विक्की नहीं था, विक्की की जली हुई लाश थी जो जलकर कोयला बन चुकी थी। ओह विक्की, आखिर चेहरे ने तुम्हारी जान ले ही ली। ओह विक्की दोस्त, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।